Hello children, in this video you will get to know what is web page, what are the different types of web page, what is the difference between static web page and dynamic web page, and what is the difference between a website and a web page. Okay, so let us start. First is, what is web page? Web page kya hota hai? A web page is a document written in hypertext, also known as HTML, that you can see online using a web browser. Web page वो document है जिसको हम HTML, mostly HTML language में क्या करते हैं, create करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है? और इसको जो वेब पेज होता है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है? हाइपर टेक्स्ट कंटेन करता है. हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो हाइपरलिंक्स कंटेन करता है. हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट कंटेन्स हाइपरलिंक्स. फाइन, समझ आया? वेब पेज वो डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML. और HTML क्या प्रोवाइड करती है हमें? HTML हमें प्रोवाइड करती है हाइपर लिंक की फैसिलिटी, राइट? एक वेब पेज से आप जो दूसरे वेब पेज पे जाते हो, किसकी हेल्प से जाते हो? आप हाइपरलिंक की हेल्प से जाते हो, राइट? समझ में आया? तो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन हाइपरटेक्स्ट, और यू कैन से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट यू कैन सी ऑनलाइन. और वेब पेज हमें कहाँ मिलते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, और हम इसको एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. अपने वेब ब्राउजर पे हम क्या एक्सेस कर सकते हैं? वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? Most web pages include text, photos and videos and links to other web pages. तो web pages में आपको you can get everything, सब कुछ मिलता है. आपको text भी मिलता है, photos भी मिलते हैं, videos भी मिलते हैं and links also. ठीक है, जिससे आप एक web page से दूसरे web page पर जा सको. ओके, अ ग्रुप ऑफ मेनी वेब पेजेस मैनेज्ड बाय वन पर्सन और अ कंपनी इज अ वेबसाइट. और वेबसाइट क्या होती है? जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, जब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस मीन्स अ वेबसाइट. और एक एक वेबसाइट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? या तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन उसको ऑर्गेनाइज करेगा, या फिर कोई वो वेबसाइट कौन ऑर्गेनाइज करेगा, या एक पर्टिकुलर कंपनी उसको ऑर्गेनाइज करेगी. फाइन, उसको मैनेज करेगी, पब्लिश करेगी. फाइन, अ वेब पेज कैन बी ऑफ टू टाइप, स्टेटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. वेब पेज दो तरीके के होते हैं, स्टेटिक वेब पेज होता है, डायनेमिक वेब पेज होता है. ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वेब पेज. वेब पेज इज व्हाट इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज मोस्टली रिटन इन द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, एंड वेब पेज आर लिंक्ड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक्स. एंड ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट. और वेबसाइट कैन बी मैनेज्ड बाय अ वन पर्सन और बाय अ कंपनी. ओके, एंड हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस. ओके, फर्स्ट वी हैव स्टैटिक वेब पेजेस. स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं? स्टैटिक वेब पेज, ओके, अ वेब पेज व्हिच डिस्प्लेस सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेनेवर अ यूजर विजिट्स इज नोन एज स्टैटिक वेब पेज. ऐसा वेब पेज जिसमें एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है, जब भी कोई यूजर उसको विजिट करेगा, उस वेब पेज को विजिट करेगा, वो सेम इंफॉर्मेशन यूजर को अवेलेबल होगी. यूजर उसको सेम इंफॉर्मेशन को देख सकता है. ठीक है, तो हमने एक बार डेटा उसमें स्टोर कर दिया है, और वो वेबसाइट जो भी एक्सेस करेगा उसको वो सेम डेटा क्या मिलेगा? उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले मिलेगा. ठीक है, फाइन. A static web page contains information that doesn't change automatically. Static web page कौन से होते हैं जिसमें information store कर दिए वो हमेशा same रहेगी. आप चाहे कितनी बार उस website को access, उस web page को access करो, ठीक है, वो information same रहेगी. ठीक है, वो information अपने आप change नहीं होगी. ओके, इट रिमेन्स द सेम और स्टेटिक फॉर एवरी व्यूअर ऑफ द साइट. तो स्टेटिक वेब पेज कौन से वेब पेजेस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमेशा सेम रहती है, हमेशा स्टेटिक रहती है, ठीक है, और जितने व्यूअर्स उसको एक्सेस करेंगे वो इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम रहेगी. फाइन, A static web page generally has .htm or .html as extension. और जो हम static web pages बनाते हैं वो mostly कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं? वो hypertext markup लैंग्वेज में क्रिएट होते हैं. Fine. For example, a page that contains school or company information, the content of this page will not change every day unless the HTML file is manually edited by a programmer who maintains it.
ओके okay? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्कूल की इंफॉर्मेशन है या कंपनी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या है, एक बार डिस्प्ले कर दिए तो तब तक वो डिस्प्ले सेम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले रहेगी जब तक कि आप उसको मैन्युअली चेंज नहीं करते हो, मैन्युअली उस एचटीएमएल फाइल में चेंजेस नहीं करते हो। तो स्टेटिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसपे सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है टू ऑल, फॉर ऑल द यूजर्स, फॉर ऑल द विजिटर्स ऑफ द वेब पेज ऑफ, ठीक है। नाउ वी हैव द डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज कौन से होते हैं? अ डायनेमिक वेब पेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द व्यूअर, द टाइम ऑफ द डे एंड द टाइम जोन, द व्यूअर्स नेटिव लैंग्वेज एंड अदर फैक्टर्स। डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, जैसे डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डेटा उस पर अवेलेबल होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम वो डेटा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन वो डेटा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स नेटिव लैंग्वेज। नेटिव क्या होता है? एक रीजन की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो डेटा चेंज होगा, एंड बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जिनके रिलेटिवली वो डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसा वेब पेज जिसका डेटा चेंज होता रहता है, फाइन, जिसका इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। एन इंटरेक्टिव वेब पेज इज अ डायनेमिक वेब पेज, और ऐसा वेब पेज जिसमें जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आपने ओके पे क्लिक किया, लेट अस सपोज देयर इज अ बटन ऑफ ओके, तो वहां पे कुछ ओपन हो गया, ठीक है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट की और सबमिट की तो सबमिट हो गई, राइट। तो ऐसे पेजेस होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। अ डायनेमिक वेब पेज यूजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू डिस्प्ले चेंजिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है, किस लिए? चेंजिंग कंटेंट को वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड स्क्रिप्ट्स टू सॉफ्टवेयर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। स्क्रिप्ट कंटेन अ सीरीज ऑफ कमांड्स दैट अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ओके, और स्क्रिप्टिंग इंजन इंटरप्रेट्स। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? छोटी छोटी कमांड्स सेंड करती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा सॉफ्टवेयर, क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही डेटा क्या होगा, चेंज होगा। समझ आया? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसे वर्क करती है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखो कि जब डायनेमिक वेब पेजेस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है टू चेंज द डेटा? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके। दीज पेजेस ऑल्सो इंक्लूड एस्टीमेल प्रोग्रामिंग फॉर द बेसिस स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ी बहुत हम एस्टीमेल का भी यूज करते हैं उसका बेसिस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। डायनेमिक पेजेस जनरली है जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो मोस्टली क्या होती है? डॉट पी एच पी, पी एच पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। डॉट ए एस पी, ए एस पी स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज। डॉट जे एस पी, जे एस पी स्टैंड फॉर जकार्ता सर्वर पेजेस, ओके। इससे पहले इसको जावा सर्वर पेजेस भी कहा जाता था, राइट। डायनेमिक साइट इंक्लूड्स ई कॉमर्स साइट्स, ब्लॉग, जैसे ई कॉमर्स होता है जहां पे क्या होता है, ये हमारा बिजनेस साइट्स होती है, वहां पे डायनेमिक पेजेस को यूज किया जाता है। ब्लॉग्स में डायनेमिक पेजेस को किया जाता है, कैलेंडर्स में किया जाता है, कैलेंडर्स क्योंकि चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। एनी साइट विद इंफॉर्मेशन डेट मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली, और ऐसी साइट जहाँ पे रोज इंफॉर्मेशन चेंज होनी चाहिए वहां पे भी किसका यूज होता है? डायनेमिक वेब पेज का यूज होता है, ओके। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन स्टेटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। स्टेटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है? ओके, सो फर्स्ट वी हैव द हियर वी हैव स्टेटिक वेब पेज, ओके। स्टेटिक वेब पेजेस आर जनरली सिंपल एचटीएमएल रिटन पेजेस विच सर्व्स एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टू द ब्राउजर, इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज स्टेटिक इन नेचर एंड इट डज नॉट गेट चेंज अंटिल समवन चेंज इट मैन्युअली, ओके। तो स्टेटिक वेब पेजेस कौन से वेब पेजेस हैं जिनको हम सिंपल एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखते हैं, ओके, और वो सिंपली क्या होते हैं, किस लिए उनको बनाया जाता है? सो डैट इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस एन इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं सर्वर से, ओके, तो वो इंफॉर्मेशन स्टैटिक वेब पेज के फॉर्म में आपको सर्वर प्रोवाइड कर सके, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर्वर क्या करते हैं, वहां पे स्टैटिक वेब पेजेस का यूज करता है सर्वर, राइट, ओके। तो वो जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो कैसे सर्व करते हैं? एज अ रिस्पॉन्स
ठीक है, फ्रॉम सर्वर टू द ब्राउजर, ओके, इन विच ऑल द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टेटिक इन नेचर, जिसमें सारा का सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टेटिक है, फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, जब तक कि हम उसको खुद मैन्युअली, जब तक कि सर्वर उसको खुद मैन्युअली चेंज ना करे, ठीक है। तो सिंपली क्या है, स्टेटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस है जिसका डेटा चेंज नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, डायनेमिक वेब पेजेस आर द पेजेस रिटन इन सम मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस सच एज ASP.NET, ओके, इन विच डेटा इज रेंडर्ड आफ्टर सम इंटरप्रिटेशन एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव कंटेंट फॉर डिफरेंट कॉज। डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस हैं जिनको हम कुछ मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, जिनको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बनाया जाता है, लाइक ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेज, ओके, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर द ASP, ठीक है। इन विच डेटा इज रेंडर्ड, रेंडर्ड मीन्स डिलीवर्ड, डेटा कब डिलीवर किया जाता है, जब पहले क्या किया जाता है, जो भी कमांड्स आई है उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मीन्स उनको मतलब जैसे कोई भी कमांड आई है, ठीक है, इस टाइप का डेटा यूजर को चाहिए, तो उसको पहले इंटरप्रेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली वो डेटा वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक वेब पेजेस में स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, दीज आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है, ये स्क्रिप्ट्स को कंटेन करती है। स्क्रिप्ट्स क्या होती है, इट इज द सीरीज ऑफ कमांड्स, ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स कहाँ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं, सॉफ्टवेयर के पास मतलब कमांड्स जाते हैं, और वो कमांड्स इंटरप्रेट होते हैं। इंटरप्रेट मीन्स उनको उनका मीनिंग निकल के आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ओके, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेटा को चेंज करता है। फाइन, समझ में आया। तो डायनेमिक वेब पेजेस कौन से वेब पेजेस हैं जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और उसमें डेटा कब डिलीवर किया जाता है, आफ्टर द इंटरप्रिटेशन, ओके, एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव कंटेंट फॉर डिफरेंट कॉज। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द व्यूअर, अकॉर्डिंग टू द कॉल ऑफ द व्यूअर, द डेटा इज चेंज्ड बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है। फर्स्ट द डेटा इज इंटरप्रेटेड, द कमांड इज इंटरप्रेटेड, एंड देन द डेटा इज डिलीवर्ड। फाइन, तो सिंपली ऐसे समझो, स्टैटिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसका डेटा चेंज नहीं होता, और डायनेमिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसका यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाता है। फाइन, ओके, नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी एज मेंशन इन द अबव पॉइंट, एज डेटा इज स्टैटिक, डेटा इन स्टैटिक वेब पेजेस इज स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन बिफोर रेंडरिंग, सो स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम किस लिए होती है, क्योंकि सो स्टैटिक वेब पेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता डेटा का, डायरेक्टली आपके पास डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है। देखो, डेटा इन स्टैटिक वेब पेजेस इज स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन बिफोर रेंडरिंग, रेंडरिंग मीन्स डिलीवर्ड, सो स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे स्टैटिक वेब पेजेस क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डायनेमिक वेब पेजेस ऑन द अदर हैंड डज द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस विच मेक्स डेटा डायनेमिक इन नेचर एंड ड्यू टू विच डायनेमिक वेब पेजेस बिकम कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू द स्टेटिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेज के केस में क्या होता है, पहले फर्स्ट हमारे पास जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, जो डायनेमिक पेजेस में जो लैंग्वेज होती है, वो सबसे पहले क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। इंटरप्रिटेशन मीन्स वो पता लगाती है कि वॉट इज द रिक्वायरमेंट, ओके, इट इंटरप्रेट द नीड्स, ओके, इट इंटरप्रेट द कॉज ऑफ द यूजर्स, ठीक है। इंटरप्रिटेशन होती है, पहले इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद डेटा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कॉल्स, अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द यूजर, एंड देन दैट इज डिलीवर टू द यूजर। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है डायनेमिक वेब पेजेस में, ओके।
Then we have language used. Static web pages are generally written in the simpler languages such as HTML, JavaScript, CSS. ओके तो स्टेटिक वेब पेजेस में जो क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है स्टेटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, लाइक HTML, JavaScript, आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS, दीज लैंग्वेजेस आर यूज. ओके ऑन द अदर हैंड डायनेमिक वेब पेजेस आर रिटन इन मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस में क्या है, डेटा चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वहां पे क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, लाइक योर CGI, AJAX, ASP, ASP.NET etc. ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है जहाँ पे क्या है, आप जो क्या करें, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद ही डिलीवर करें. फाइन. अब रेंडर डेटा मीन्स कैसे डेटा डिलीवर किया जाएगा. ठीक है, फॉर स्टेटिक वेब पेजेस डेटा डू नॉट चेंजेस अंटिल समवन चेंजेस इट मैन्युअली, एंड हैज डेटा इज स्टेटिक इन नेचर. तो इसमें क्या है, डायरेक्ट डेटा आपके पास आ जाता है, डेटा इज रेंडर्ड डायरेक्टली, रेंडर्ड मीन्स डिलीवर्ड डायरेक्टली. फाइन. ऑन द अदर हैंड फॉर डायनेमिक वेब पेजेस डेटा इज फर्स्ट इंटर ऑपरेटेड एट सर्वर साइड एंड ड्यू टू विच इट डज नॉट रिमेन सेम ऑन एवरी कॉल एंड दिस मेक्स डेटा डायनेमिक नेचर. और ये हम पहले कर चुके हैं, डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि क्या रिक्वायरमेंट है. सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करता है जो भी उसके पास रिक्वायरमेंट आती है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द डेटा इज चेंज एंड देन डिलीवर्ड एंड देन रेंडर्ड. ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता है और उसके बाद क्या होता है, उसको रेंडर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है. फाइन. ओके नाउ वी हैव द टाइम. स्टेटिक वेब पेज ड्यू टू स्टेटिक डेटा टेक लेस टाइम टू गेट लोड. ओके तो जब आप स्टेटिक वेब पेज को एक्सेस करते हो तो बहुत जल्दी वो लोड हो जाता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा है जो सिंपली आपके पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा. फाइन. वाइल डायनेमिक वेब पेजेस ड्यू टू डायनेमिक डेटा टेक्स कंपेरेटिवली मोर टाइम एज कम्पेयर टू द स्टेटिक वेब पेजेस. अब डायनेमिक डेटा के केस में क्या होता है, जो भी डेटा है वो अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट चेंज होगा, तो वो फर्स्ट इंटरप्रेट होगा, फिर आपके पास आएगा, पहले आपकी रिक्वायरमेंट इंटरप्रेट होगी फिर वो आपके पास आएगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है. ठीक है, लोड होने में. Then we have the database. In static web pages, generally no involvement of database for data redecoration. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, static web pages में जो database होता है, ठीक है, database जितनी भी websites होती है उनका database होता है, servers होते हैं उनका database होता है, जहां से क्या होता है, data आता है. फाइन. तो यहाँ पे डेटा बेस है वो डेटा रीडेकोरेशन नहीं करता है. डेटा रीडेकोरेशन मीन्स डेटा को दोबारा से नया नहीं करता है, उसको उसको उसके अपेयरेंस में कोई चेंज नहीं करता है. ठीक है, उसको दोबारा से डेकोरेट नहीं करता है. ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस डेटा बेस इज यूज फॉर डेटा डेटा रीडेकोरेशन. लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस के केस में क्या होता है, जो उसका डेटाबेस होता है उसको यूज किया जाता है डेटा को दोबारा चेंज करने में, दोबारा से डेकोरेट करने में अकॉर्डिंग टू द नीड. नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज. वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, राइट. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस अवेलेबल ऑन द वेब, वी कैन एक्सेस इट बाय अ ब्राउजर. तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. ठीक है, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. ओके, और वेबसाइट को हम कहाँ कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको ब्राउजर से एक्सेस, बाय द ब्राउजर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू द ब्राउजर वी कैन एक्सेस द वेबसाइट, राइट. Now we have the web page. It is a part of the website that includes information and content. We can access it via a browser. Website web page क्या है? एक वेबसाइट का पार्ट है. ठीक है, एक स्मॉल पार्ट है. ठीक है, जो क्या करता है, डेटा कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता करता है, और हम वेब पेज को भी कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ब्राउजर, राइट. Now website, it contains more than one web pages that contain information. अभी मैंने आपको बताया था वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस है, तो वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं. और वेब पेज क्या है, इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर. वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, राइट. नाउ वेबसाइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग HTML एंड CSS.
वेबसाइट क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, वेब पेज इसका, जिसको किसकी हेल्प से क्रिएट किया गया है, एचटीएमएल लैंग्वेज की एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से। ओके, एंड वेब पेज क्या है, इंफॉर्मेशन इज यूजुअली रिटन इन एचटीएमएल लैंग्वेज। और वेब पेज में मोस्टली हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल एचटीएमएल लैंग्वेज में। ओके, नाउ वेबसाइट, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू डेवलप द वेबसाइट एज कम्पेयर टू द वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू क्रिएट वन वेब पेज। ठीक है, एक वेब पेज को बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। राइट, नाउ वेब पेज, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू डेवलप अ वेब पेज एज कम्पेयर टू द वेबसाइट। सेम थिंग इज देयर कि एक वेब पेज को बनाने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयरेटिवली टू क्रिएटिंग अ वेबसाइट। ओके, नाउ वेबसाइट, इट इंक्लूड्स कंटेंट अबाउट सेवरल एंटिटीज। एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों का डेटा दे सकते हैं। जैसे आप एजुकेशनल वेबसाइट देखो, जैसे आप पाइथन ही लगा लो, बेसिक्स ऑफ पाइथन में क्या है, जैसे एक वेबसाइट है जो पाइथन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। एक में उसने दे दिया स्ट्रिंग, एक वेब पेज पे दे दिया स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन, दूसरे पे उसने दे दिया टपल की इन्फॉर्मेशन, थर्ड पे उसने दे दिया डिक्शनरी की इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे क्या, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज की इंफॉर्मेशन आ गई। राइट, लेकिन वेब पेज क्या करता है, इट इंक्लूड्स कंटेंट और इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। तो एक पर्टिकुलर वेब पेज एक एंटिटी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। तो एक वेब पेज मान लो या तो डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है या टपल की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, तो इट कंटेन्स अ सिंगल, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल एंटिटी। राइट, ना वेबसाइट, इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एब्सोल्यूट यूआरएल। अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज करोगे, मतलब कंप्लीट यूआरएल का यूज करोगे। फाइन, वेब पेज, इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग रिलेटिव यूआरएल। अब वेब पेज, अगर आपने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर रखी है और आपको उसके पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है, तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट टाइप द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज, तो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे पहुंच जाओगे। तो वेब पेज के लिए आप रिलेटिव यूआरएल का भी यूज कर सकते हो। नो सच एक्सटेंशन इंक्लूडेड इन द यू आर एल ऑफ अ वेबसाइट। जब हम वेबसाइट का यू आर एल यूज करते हैं तो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, लाइक www.google.com, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन यू आर एल ऑफ द वेब पेज इंक्लूड एक्सटेंशन, लेकिन जब हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वहां पे एक्सटेंशन का यूज होता है, लाइक .html, .html, stm। ठीक है, तो क्या है, एक वेब पेज जब आप एक्सेस कर रहे हो तो उसके यूआरएल में आप एक्सटेंशन का यूज करते हो। फाइन, नाउ वेबसाइट, इट इज क्वाइट हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट एंड इट्स प्रोग्रामिंग। तो एक वेबसाइट को बनाना बहुत ही हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, दिस इज कॉम्प्लेक्स। ओके, इट इज क्वाइट इजी एंड सिंपल टू डेवलप वेब पेज आफ्टर वेबसाइट स्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड। लेकिन अगर आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया है, उसके बाद वेब पेज को, एक पर्टिकुलर वेब पेज को क्रिएट करना, डेवलप करना इजी है एज कंपेयर टू डेवलपिंग द होल वेबसाइट। ओके, ओके, ना वेबसाइट, इट इंक्लूड्स वेब पेजेस रिलेटेड कंटेंट एंड हाइपरलिंक। वेबसाइट क्या कंटेन करती है, वेब पेजेस को कंटेन करती है, रिलेटेड कंटेंट होता है वेब पेजेस में, और ऑल द वेब पेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक्स। ठीक है, जितने वेब पेजेस होते हैं वो किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। राइट, ना वेब पेज, इट माइट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स। एक वेब पेज के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक्स, कुछ भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ वेबसाइट, दे आर यूज्ड टू स्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी एज बिजनेस एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द पॉजिटिव इम्प्रेशन अबाउट द कंपनी और बिजनेस, दैट इन टर्न इंक्रीज द यूजर एक्सपीरियंस। अब जो वेबसाइट होती है उसको किस लिए डेवलप किया जाता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस की, एक पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्ट वर्दीनेस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि लोग उस पे ट्रस्ट करें, वेबसाइट पे देखें क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर कंपनी, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं। ओके, तो वेबसाइट को एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द वेब पेज, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद रिलेटेड पिक्चर्स एंड वीडियोस। और वेब पेज किस लिए होता है, पर्टिकुलरली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर पिक्चर्स भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, और ग्राफिक्स भी हो सकता है। राइट, एनिमेशन भी हो सकता है।
Okay, children, now we will meet in next video with next topic of introduction to computer networks. Till then, keep studying, be safe, all the best for your exam, and subscribe my channel for more useful videos.